मैं कहांगा बलावड़ा शरीफ वाले पीर साहब नू शुफ ओ फूका वाली सरकार नू कि हुण तेरियां फूका किथे ने कोरोना वायरस ना दुनिया मरन दई है ते मैं कहांगा फूका वाली सरकार उत्थे जो सारे नू तस्वे मनका फिर फूका मार मार के सही करना ते आज कोरोना वायरस नू भी को फूक मार इनू कला जानदा को स्पेशल तैयारा 130C ओदे ते करा के नू कलो चैना ओदे सूबे वुहान विच ते पीर साहब इज्जत माप दी मैं बहुत इज्जत करना है बहुत आला हस्ती है असी सब दा एहतराम करने है और हर मजहबी रहनुमा दा एहतराम करना चाहिदा है पर आंदे ने पठ पवे सोना जेड़ा कन्ना नु खाए ओ सोने दा की फायदा जेड़ा बीबी दे कन्न खा जे जे तेरियां फूका अज काम नहीं आउणियां ते आउणियां कदों हाँ जी बस एक स्पीकर इनू ला दो स्पीकर तेनू कह चैनल मूह कर चलो कोरोना वायरस मुके सची गल हकती बादशाह साहब मैं तो रोज नाम नहीं लेंदा मैं सब का एहतराम करने वाला मौलवी है मैं हर आलमे दीन का हर पीर का एहतराम करना है हाँ जी क्यों करना है जेड़े पन्नी कह वो रल के बह सकते हैं यही मौलवी रल के बह सकते क्यों जी आ पन्नी कह कट्ठे सूटा ला लेंगे जिन्हों ना लभे उन्होंने मुफ्ती लवा देंगे सच्ची गल कर ओए मैं सब नू कहांगा मेरे दोस्तों सामा ध्यान ऐ जरा शुभ शुभ बोलो ते अपनी कमर का इलाज दूजे अस्पताल च करवाउण गया आस्ट्रेलिया च लोगों के इलाज फूकां नाल ते अपने जहाजा ते वाह भाई वाह है अन्ना मंडे चरीनिया पों पों अपने पर करिए की कौम दा ओ जी फूक नाल कैंसर मुकन दिया है माँ भी अन्नी ती भी अन्नी पुत भी अन्ना अन्ना है जवाई रब ने सानू भाग लाया गो नौ भी अन्नी आई टब्बर ही अन्या करे की बंदा जिथे होवे एक कमला उन्हूं समझावे वेड़ा जिथे होवे वेड़ा कमला उन्हूं समझावे दसो भी ओ फूकां नाल भी कैंसर मुक दे जे बीमारियां फूकां नाल मुकन लगन ते पर हस्पताल कादरी बनाने फिर कलेर भी सब फूका मारी होंदे ने मैं मारी होना क्या सैयदी या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैहि क्या सैयदी या हबीब अल्लाह माशाल्लाह आज मदनी साहब से मुलाकात हुई और इनके अखलाक इनकी मोहब्बत को देखकर दिल के अंदर से खुशी हुई है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे दरमियान ऐसी बात फैलाना करना चाहते थे जिससे पूरे मुल्क को नुकसान होता बल्कि ख़त्म नबूवत का ये भी काम करते हैं मैं भी काम करता हूँ अगर इसके अंदर ये रुकावट पैदा करने चाहते थे दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ का मेरी तरफ से ऐसे किसी इंसान को कोई तलक नहीं है जो कोई जुल्म कोई तशद्दुद करे क्योंकि अल्लाह वाले कैंची का काम नहीं करते सुई और धागे का काम करते हैं हम हमेशा साथ हैं और ये भी ख़त्म नबूवत के काम पर मिशन जारी है और मेरा भी मिशन जारी है अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक इन्हें सेहत और जिंदगी अता फरमाए और इनके पूरे अहले खाना पे करम और मेहरबानी फरमाए इंशाल्लाह तबारक ताला जिस तरीके से लोगों का मिशन था वो नाकामयाब हो गया क्योंकि शैतानों का ये मिशन था कि दो ऐसे लोग शख्सियतें आपस के दरमियान में जंग की तरफ आएँ जिससे माहौल ख़राब हो जाए लेकिन हम पाकिस्तान के कानून का एहतराम करते हैं पाकिस्तान के रहने वाले हैं हमने पूरे मुल्क में एक दूसरे से मिलकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मेरे अज़ीज़ मेहमानान गिरामी कदर जनाब आस्ताना अलिया बड़ावड़ा शरीफ के सजादा नशीन इज़्ज़त माब जनाब हक खतीब बादशाह साहब और उनके साथ मेरे जितने रफ़क़ा दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए मैं उनको अपने घर में आए अहलम व सहलन मरहबा कहता हूँ कि वो मेरे इस गरीब खाने पे मेरे ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए आए हैं जो अल्लाह वाले होते हैं मियाँ मोहम्मद बख्श ने बड़ी सोहनी गल लिखी
कहते ने लखा बेर बेरी नू लग दे ते चढ़ जांदे कई कच्चे जेड़े पक्कन लाल मुहम्मद ओह ही खांदे वटे ते नाल कहते ने मिठा मेवा बेरी देवे मुड़ भी वटे खावे ते दीन इस्लाम नू मनन वाला मुड़ बेरी बन जावे। मैं हजूर के ये अल्फाज की कदर करता हूँ कि जो लोगों ने चाहा था कि ये एक बुलंद कद्दावर शख्सियात जिनके दिलों में लोगों के दिलों में एक मजहबी अकीदत है मेरे चाहने वालों की और हजूर आस्थाना आलिया भलावड़ा शरीफ के चाहने वालों के दिलों में इतनी अकीदत है, उनको आपस में लोगों ने जो ताने बाने मिलाना चाहे वो हक खतीब साहब आज वो मिटाने के लिए मेरे घर में तशरीफ लाए और उन्होंने बोला कि हमने आखिरी नबी की खत्मे नबूवत जो हसनैन के नाना जान हैं जहरा के बाबा हैं तो हमने वो मिंबर पे जो काम करना है इन लोगों को उसमें दीवार नहीं बनने देना। बड़ेपन का मजारा किया है, जो काम इनको दूसरे दिन करना चाहिए था वो आज आ जाए और मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। वल फितना शद्दु मिनल कतल, फितना फसाद कतल से बदतरीन अमल है। इसलिए मैं पैगाम देता हूँ पूरी दुनिया को अपने चाहने वालों को कि ये जो एक आग भड़की थी मुल्क में वो हमारे सब्र में और हक खतीब साहब की जबान नहीं खुली और ना मेरी खुली एक दूसरे के बारे में, तो वो आज उस सब्र का बदला अल्लाह ने ये दिया कि हम दोनों एक काना नौ में मेरी रहायश है वहां बैठे हैं। और हक खतीब साहब ने ये बड़ा पन का लफ्ज कहा कि हम उन लोगों को ये पैगाम देते हैं कि हम सारी जिंदगी इकट्ठे हैं और एक स्टेज पे इंशाल्लाह हम खत्म नबूवत का काम करेंगे। तो ये मेरा पैगाम मैं बड़े दिल से अल्लाह और उसके रसूल को सामने रख के ये लफ्ज अपने चाहने वालों के लिए बोल रहा हूं कि मैंने अपने दिल से इनका आना अपने घर में एक्सेप्ट किया है और जो शैतान ये आग लगाना चाहते हैं पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान का अमन बर्बाद हो वो इंशाल्लाह ये देखते ही रहेंगे, उनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। मैं इनके साथ आने वाले जितने कोहली साहब, नियाजी साहब, अफजल साहब और इज्जत माब असमतुल्ला साहब और इनके साथ काफ़ी हजरात हैं कर्नल साहब, मैं अपने गरीब खाने पे इनको आने पे बेहद खुशामदीद कहता हूँ जिसकी हद नहीं है। क्योंकि मेरे नबी ने खुद फरमाया था वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो हम वही लफ्ज लेकर हर स्टेज पे जाएंगे कि हम रहमत का पैगाम ही लोगों को पहुंचाएंगे। मेरे घर आ जाना इनका यही लफ्ज काफी है कि हम इन मेरे दुश्मनों के साथ ये नहीं है। जो भी कोई है मैं इंशाल्लाह इनकी मौजूदगी में ये ऐलान करता हूँ कि आज के बाद इंशाल्लाह हक खतीब साहब और लामा नासर मदनी इंशाल्लाह आस्थाना आलिया भड़ावड़ा शरीफ के सिर सजादा नशीन है। ये भी छोटी उम्र में बहुत इज्जत कमाने वाली हस्ती है और मैं भी छोटी उम्र में बहुत नाम पाया है और ये दोनों नाम इंशाल्लाह अपनी तरक्की को रोकेंगे नहीं, जो इसमें इंशाल्लाह रुकावट बनेगा ये भी उनकी हौसला शिकनी करेंगे, मैं भी हौसला शिकनी करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मदनी साहब, आपकी बहुत खूबसूरत आवाज है, आपकी नात मुझे बहुत पसंद है, मैं बारी बारी जावा एक बार वो थोड़ी सी सुना। जी जी, हजूर खतीब साहब ने फरमाइश बड़ी सोहनी कर दी, खुद भी सोने ने ते हुसन भी सोने का ही बयान कर दिता। नबी को देख कर दाई हजूर से बोली, हलीमा गोद में लेकर हजूर से बोली, मैं वारी वारी जा तू किन्ना सोना है, मैं वारी वारी जा तू किन्ना सोना है। गल ए मदनी सारे जग नू सना, गल ए खतीब सारे जग नू सना, गल ए नासर सारे जग गनू सना, सोने जैसा जग विच आया कोई ना, एहो नारा असां गली गली लाउणा ए, एहो नारा असां का